हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से टॉप 10 क्लासेस के क्रैश कोर्स में। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले अध्याय में हम लोग हीमोफीलिया डिजीज के बारे में पढ़ चुके थे। हीमोफीलिया डिजीज, इसे ब्लेडर डिजीज के नाम से भी जाना जाता है, रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सब टॉपिक के बारे में गाइस हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। गाइस, आज जो हम लोगों का लेक्चर है वह है अनुवांशिक विकार, जेनेटिकल डिजीज। गाइज, अनुवांशिक विकार होता क्या है, आइए इसके बारे में पहले हम लोग जानते हैं। अनुवांशिक विकार वह विकार होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। जैसे कि इस समय जो अनुवांशिक विकार, जैसे अगर किसी F1 पीढ़ी में नर को हुआ है, तो उसके द्वारा पिछले जो उत्पन्न होगी संतर, उसमें लक्षण जाएगा, तो वह अनुवांशिक लक्षण कहलाता है, अनुवांशिक विकार कहलाता है। एक बार फिर से, अनुवांशिक विकार वह विकार होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतति से दूसरे संतति में चलते रहते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। अनुवांशिक विकार वह विकार होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतति से दूसरे संतति में चलते रहते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। आइए लिखते हैं, अनुवांशिक विकार वे विकार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतति से दूसरे संतति में चलता रहता है तो उसे हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। गाइज, अनुवांशिक विकार वे विकार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक संतति से दूसरे संतति में चलते रहते हैं, उसे हम लोग अनुवांशिक विकार कहते हैं। तो गाइज, अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। जो अनुवांशिक विकार होता है, हम लोगों का जेनेटिकल डिजीज होता है, जेनेटिकल डिजीज अनुवांशिक विकार गाइज या दो प्रकार का होता है। एक होता है मेंडेलियन विकार, और दूसरा होता है गुणसूत्री विकार, गाय जिसे हम लोग बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। और इसे हम लोग बोलते हैं या गुणसूत्री भी का क्रोमोसोमल डिजीज। गाइज, यह हो गया मेंडेलियन डिसऑर्डर या डिजीज, और यह हो गया गुणसूत्री क्रोमोसोमल डिजीज। जो जेनेटिकल डिजीज अनुवांशिक विकार होता है, यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है मेंडेलियन डिजीज, दूसरा होता है क्रोमोसोमल डिजीज। अब गाइज, यह जो हम लोगों का मेंडेलियन डिजीज होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोसोमल
और गाइस एक होता है एक्स लिंग सहलग्न, एक्स लिंग सहलग्न। और गाइस इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसमें सभी डिजीज आते हैं। जो ऑटोसोमल आता है डिजीज, इसमें पांच प्रकार के डिजीज आते हैं। पहला थैलेसीमिया, थैलेसीमिया, दूसरा फिनाइल क्रिप्टोनीरिया, फिनाइल क्रिप्टोनूरिया, तीसरा एल क्रिप्टोनीरिया, एल क्रिप्टोनूरिया, एल क्रिप्टोनूरिया, फिर चौथा सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिर गाय जो अंतिम आता है वो होता है सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। गाइस जो ऑटोसोमल डिजीज होता है इसके पांच प्रकार होते हैं। पहला होता है थैलेसीमिया, दूसरा फिनाइल क्रिप्टोनीरिया, तीसरा एल क्रिप्टोनूरिया, चौथा सिस्टिक फाइब्रोसिस और पांचवा हम लोगों का सिकल सेल एनीमिया। और गाइस जो एक्स लिंग सहलग्न होता है यह दो होता है, एक होता है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, और गाय जो दूसरा होता है वह होता है वर्णांधता, वर्णांधता, वर्णांधता। गाइज यह हम लोगों का एक्स लिंग सहलग्न डिजीज, इसमें पाला हुआ हीमोफीलिया, दूसरा हुआ वर्णांधता। और जो हम लोगों का गुणसूत्री विकार होता है इसमें पाला आता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, दूसरा टर्नर सिंड्रोम, तीसरा क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, चौथा एडवर्ड सिंड्रोम, और पांचवा पटाऊ सिंड्रोम। और छठवा क्राई टू चैट, क्राई टू चैट सिंड्रोम। गाइज यह हो गया हम लोगों का जेनेटिकल डिजीज के प्रकार। इसमें पहला होता है मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा होता है गुणसूत्री विकार। यह है मेंडेलियन डिसऑर्डर के टाइप्स और यह है गुणसूत्री विकार का टाइप, तो आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ तो गाइज अब जो हम लोगों को पढ़ना है, चूंकि आपको पता है हम लोगों का जो हम लोगों का सिलेबस है बायोलॉजी का वह 30% कट चुका है, तो इसमें से केवल जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो ऑटोसोमल डिजीज है इसमें केवल हम लोगों को थैलेसीमिया डिजीज पढ़ना है।
और एक्स लिंक सालन डिजीज पूरा पढ़ना है, और जो गुड़सूत्री विकार है इसमें हम लोगों को डाउन सिंड्रोम पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम पढ़ना है व क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम पढ़ना है। बाकी गाइस इन तीनों को नहीं पढ़ना है और इसमें इन चारों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि यह इस सत्र हमारे सिलेबस में नहीं है। तो गाइस आप लोग नोट कर लिए होंगे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे थैलेसीमिया। गाइस जो अनुवांशिकी विकार में, अनुवांशिकी विकार दो प्रकार का था, एक मेंडेलियन विकार, मेंडेलियन विकार के ऑटोसोमल विकार में पहला था हम लोगों का थैलेसीमिया। गाइस जो हम लोगों का पहला है वह है थैलेसीमिया। तो आइए अब हम लोग थैलेसीमिया के बारे में लिखते हैं। पहला थैलेसीमिया मेंडेलियन विकार होता है, मेंडेलियन विकार होता है। दूसरा यह अप्रभावी लक्षण के कारण होता है, अप्रभावी लक्षण के कारण होता है। और गाय तीसरा यह क्वांटिटिव डिजीज है। क्वांटिटिव डिजीज। यह क्वांटिटिव डिजीज है। चौथा इसे अरक्तता के नाम से भी जाना जाता है। और गाइस यह दो प्रकार का होता है, जो हम लोगों का होता है थैलेसीमिया यह दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्फा थैलेसीमिया, एक होता है बीटा थैलेसीमिया। गाइस जो हम लोगों का अल्फा थैलेसीमिया होता है यह 16वें गुणसूत्र पर होता है, गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। और जो हम लोगों का बीटा होता है यह 11वें गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, 11वें गुणसूत्र। गाइस यह हो गया हम लोगों का थैलेसीमिया। जो थैलेसीमिया होता है यह मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, मेंडेलियन विकार होता है और यह अप्रभावी लक्षण के कारण उत्पन्न होता है। और तीसरा है यह क्वांटिटिव डिजीज क्या होता है, जैसे इसमें जो अल्फा जो या इसमें यह दो प्रकार का होता है, एक अल्फा थैलेसीमिया एक बीटा, तो इसमें जो अल्फा थैलेसीमिया व बीटा थैलेसीमिया का अनुपात होता है वह समान नहीं रहता है। जो अल्फा थैलेसीमिया होता है और बीटा थैलेसीमिया इसमें इसका अनुपात समान नहीं होता है, इसलिए यह क्वांटिटिव डिजीज है। क्वांटिटिव मतलब कुछ माप या उसकी संख्या, तो इसमें अल्फा थैलेसीमिया व बीटा थैलेसीमिया का अनुपात अनिश्चित होता है, जिसके कारण इसे हम लोग क्वांटिटिव डिजीज बोलते हैं। और जिसमें चौथा है इसे रक्तता के नाम से भी जाना जाता है, अरक्तता, इसे अरक्तता के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस
डिजीज के होने से मनुष्य के बॉडी में जो होता है रक्त की कमी होने लगती है। और गाइस यह जो थैलेसीमिया होता है यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है अल्फा थैलेसीमिया, दूसरा होता है बीटा थैलेसीमिया। जो अल्फा थैलेसीमिया की पोजीशनिंग होती है वह 16वें क्रोमोसोम पर होता है और जो बीटा थैलेसीमिया की पोजीशनिंग होती है यह 11वें गुणसूत्र पे होता है। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का थैलेसीमिया। अब हम लोग इसे शॉर्ट ट्रिक बनाए हैं जो इसमें बीटा थैलेसीमिया और अल्फा थैलेसीमिया होता है या कैसे कहां पर स्थित होता है। इसमें गाइस कंफ्यूजन होता है, एक 16 पर होगा एक 11 पर होगा, लेकिन कौन कहां पर होगा यह थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो बीटा थैलेसीमिया के लिए एक ट्रिक है बिल्ली। गाइस बी से हो गया बीटा थैलेसीमिया और ये जो डबल फा लाइन है इसे हम लोग 11 मान लें तो यह 11वें क्रोमोसोम पर होगा और जो 16वां होगा वह अल्फा क्रोमोसोम पर होगा, जो बचा हुआ होगा वह अल्फा हो जाएगा और यहाँ से 11वां जो हो जाएगा यह बीटा थैलेसीमिया हो जाएगा, बी से बीटा और यहाँ से 11वां गुणसूत्र पर हो जाएगा। तो गाइस अब हम लोगों का थैलेसीमिया हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंग संलग्न डिजीज। गाइस जो हम लोगों का मेंडेलियन डिसऑर्डर में एक्स लिंग संलग्न था वह दो प्रकार का होता है, पहला होता है एनीमिया हीमोफीलिया, पहला होता है हीमोफीलिया हीमोफीलिया और दूसरा है वर्णांधता वर्णांधता। गाइस चूंकि हम हीमोफीलिया डिजीज के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही जो हम लोगों का है वह हीमोफीलिया का लेक्चर हो चुका है, तो इसमें हम लोग हीमोफीलिया को नहीं लेंगे। अब जो हम लोग डिजीज लेकर चलेंगे वह वर्णांधता को लेकर चलेंगे। तो गाइस वर्णांधता को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। गाइस अब जो हम लोग पढ़ेंगे वह हम लोगों का वर्णांधता। गाइस जो वर्णांधता है इसको होर्नर नामक वैज्ञानिक ने अठारह सौ छिहत्तर ईस्वी में खोजा था खोजे थे। गाइज यह इसमें पहला पॉइंट है, इसकी खोज गाइज जो इसकी खोज किए थे होर्नर नामक वैज्ञानिक जी 1876 ईस्वी में किए थे। और दूसरा यह एक्स लिंग संलग्न बीमारी है, यह एक्स लिंग संलग्न या एक्स लिंग संलग्न बीमारी है। और गाइस इसमें तीसरा पॉइंट है, हमारे आंखों के जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं हमारे आंखों की शंक्वाकार कोशिकाएं कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। गाइस जो हम लोगों का इसमें तीसरा पॉइंट है,
जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है, जो इससे पीड़ित व्यक्ति होता है उसके आँखों की शंक्वाकार कोशिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती हैं। और गाय जो चौथा पॉइंट है, यह अप्रभावी लक्षण के कारण होता है, यह अप्रभावी अप्रभावी लक्षण होता है, अप्रभावी लक्षण होता है। और गाय पांचवा, इसमें वाहक का कार्य मादा करती हैं, इसमें वाहक का कार्य मादा करती हैं, वाहक का कार्य मादा करती हैं। और गाय जो छठवां पॉइंट है, इसमें नर, इसमें जो नर होता है वह नर वाहक का कार्य नहीं करता, नर वाहक का कार्य नहीं करता। जो इसमें नर होता है वह वाहक का कार्य नहीं करता अपितु यह ग्रसित हो जाता है, अपितु यह ग्रसित होता है। और जो हम लोगों का इसमें सातवां पॉइंट है, इसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता, इसमें व्यक्ति लाल व हरे, इसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। गाइस, यह हो गया हम लोगों का वर्णांधता। वर्णांधता की खोज होर्नर नामक वैज्ञानिक ने 1876 ईस्वी में किए थे। दूसरा, यह एक्स लिंग सहलग्न बीमारी है। तीसरा, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके आंखों की शंक्वाकार कोशिकाएं अल्प विकसित या पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है। और जो चौथा है, यह अप्रभावी लक्षण होता है। और जो पांचवा, इसमें वाहक का कार्य मादा करती है। और जो नर होता है, इसमें नर इन्फेक्टेड होता है, नर वाहक का कार्य नहीं करता। और जो सातवा है, इस प्रकार के रोग में जो व्यक्ति होता है वह लाल व हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। अब गाइस, इसमें वाहक का कार्य मादा करती है और नर नहीं करता। आइए अब हम लोग इसे पनेड वर्ग बनाकर पनेड वर्ग के माध्यम से समझते हैं। तो गाइस, जैसे हो गया, यह हम लोगों का हो गया सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री, और ग्रसित पुरुष। सामान्य स्त्री 22XX+XX, और जो ग्रसित पुरुष होगा 22XX+X कलर ब्लाइंडनेस वाई, क्योंकि गाइस यह वाई पर नहीं होगा क्योंकि यह एक्स लिंग सहलग्न डिजीज है। तो आइए अब हम लोग इन दोनों का पनेड वर्ग बनाकर पनेड वर्ग के माध्यम से समझते हैं। गाइस, यहाँ पर हो गया फीमेल, यहाँ पर हो गया मेल, या ग्रसित है या इससे हो गया XXC XXC XY XY। तो गाइस, इससे जो हम लोगों को मिला, इसमें जो मादा है वह इन्फेक्टेड नहीं है, वह इन्फेक्टेड नहीं है अपितु वह वाहक का कार्य कर रही है। और जो इसमें नर प्राप्त हुआ है यह सामान्य रूप से प्राप्त हुआ है। अगर गाइस इन दोनों में देखें तो 50% मादा वाहक प्राप्त होगी, मादा वाहक, और 50% साधारण पुरुष होगा,
साधारण पुरुष होगा। गाइस इसमें जो पनीर वर्ड से हम लोगों को प्राप्त हुआ है 50% जो होता है मादावाहक हो गई और 50% साधारण पुरुष होगा। अब की बार अब हम लोग सामान्य स्त्री को नहीं बल्कि इन्फेक्टेड स्त्री को लेंगे और सामान्य पुरुष को लेंगे। इस बार हम लोग ग्रसित मान लीजिए ये स्त्री है एक्स सी, यह है इन्फेक्टेड फीमेल और यह है सिंपल मैन। तो आइए अब हम लोग इसका पनीर वर्ग बनाकर इसके माध्यम से समझते हैं। गाइज यहां पर हम लोग फीमेल लिखेंगे एक्स सी और यहां पर हो जाएगा XY। अब इसका इससे करेंगे XXC, XXC, XCY, XCY। गाइज इससे हम लोगों को क्या निष्कर्ष निकला, इसमें जो होंगे 50% मादा वाहक का कार्य करेंगी और जो 50% पुरुष रहेगा वह ग्रसित रहेगा। गाइस अगर एक सामान्य स्त्री का विवाह ग्रसित पुरुष से होता है तो उसमें जो संतति आती है उसकी प्रायिकता मादा जो वाहक होगी जो बेटी पैदा होगी उसमें 50% होगा और जो साधारण लड़का पैदा होगा उसमें इसकी प्रायिकता 50% होगी। मतलब जो पुरुष होगा उसमें यह जो लक्षण है नहीं आएगा और इसमें अगर मादा ग्रसित है और सामान्य रहे तब उसकी प्रायिकता 50% मादा वाहक होगी और जो 50% नर होंगे वह ग्रसित होंगे। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का पूरा हीमोफीलिया का टॉपिक। अब हम लोग पढ़ेंगे यह वर्णांधता का टॉपिक था, यह था वर्णांधता का टॉपिक। हीमोफीलिया का टॉपिक हम लोग अगले अध्याय में पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हम लोगों का यह पूरा प्रक्रिया है वर्णांधता। तो गाइज आज यहीं तक, अब नेक्स्ट चैप्टर में जो हम लोगों का गुणसूत्री विकार है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।